अस्सलाम वालेकुम, आज के एक और ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम जो है ना अपने टर्की वगैरह को भी खोल देते हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ। और ये मुर्गियाँ हमने बंद की हुई थी, इनको भी खोल लेते हैं ताकि इनको सबको एक साथ दाना डाल दें। आ जाओ चलो। यहाँ पे मैंने मुर्गियों को दाना वगैरह डालना शुरू किया, उधर जो है देखें कबूतर भी फड़फड़ाने शुरू हो गए, उनको भी काफ़ी भूख लग रही है। आप लोगों को भी खाना मैं डालता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आज पहले हम अपने खरगोशों को खाना डालेंगे। ये हम कल खरगोश लेकर आए थे और अब इनको दाना डालते हैं, ये भी काफ़ी भूखे हो रहे होंगे। अपने खरगोशों के लिए जो है ना हम लूसन लेकर आए, तो मैं लूसन डालता हूँ इनको, देखते हैं कि कितने शौक से खाते हैं। ये खरगोश खाने आ गई। खरगोश तो हमारे मजे से खाना खा रहे हैं। और इधर ये देखें स्नोई भी शुरू हो गई है हमारे लूसन के ऊपर, ये भी बड़े शौक से लूसन खा रहे हैं। बाकी हम जो है अपना वो तीतर देखते हैं, जो कल तीतर हमारे को भाई ने गिफ्ट किया था, वो तीतर कैसा है। तीतर भी माशाल्लाह से सही है। कल बचत हो गई तुम्हारी, नहीं तो जो है ना कल तुम्हारे को बटर स्कॉच ने खा जाना था। खाता नहीं खाता, एटलीस्ट तुमको मार जरूर देता वो। तुम्हारे लिए भी दाना लेके आता हूँ मैं, ठीक है? तुम दाना खाना फिर। पहले मैं डाल दूँ बबलू बबली को, और जो फ्लफी है उसको मैं खाना डाल दूँ, फिर तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। तुम बेहतर है अंदर ही रहो, अगर बाहर आए ना तो फिर तुम्हें ये सारे जानवर मारेंगे। और तुम्हारे सब उसको बटर स्कॉच को तो मैंने बंद किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये सारे बड़े जानवर तुम्हें मारेंगे, तुम अंदर ही रहो। आज बबलू बबली और जो हमारे फ्लफी है ना, इन तीनों को जो है ना हम सूखे दाने के साथ साथ ना लूसन भी दे देते हैं। आज इनका डबल खाना हो जाएगा, डबल मज़े करेंगे ये लोग। ये लो फ्लफी, आज तुम ये खाना भी खाओ। बबलू भी बेचैन हो रहा है, वो देख रहा है फ्लफी को खाना दिया जा रहा है, मुझे खाना नहीं दे रहा है। बबली के लिए भी खाना दे देते हैं। ये लो बबली, आप भी खाना खाओ। इन लोगों के सामने सूखा दाना भी रख देते हैं। ये लो, लग रहा है ये लूसन ज्यादा पसंद नहीं आया, बबली तुम यही खाओ अपना। सारे बर्ड्स वगैरह को हमारे खाना मिल गया। आप लोग क्यों नहीं खा रही खाना, जाओ नीचे, चलो नीचे जाओ, नीचे नीचे जाओ। इन सबको तो खाना मिल गया, हमारे खरगोशों को भी खाना मिल गया। खरगोश भी हमारे खाना खा रहे हैं बड़े मजे से। इनको भी खरगोशों को भी ना सूखा दाना देना है, जो कि मिक्स दाना आता है ना वो दाना इनको वो भी देंगे, लेकिन अभी तो ये फिलहाल ये खा लें, उसके बाद फिर इनको शाम में जो है ना हम लोग मिक्स दाना भी दे देंगे। दोस्तों आपने कमेंट्स में बताना ज़रूर है कि आपको हमारे खरगोश कैसे लगे, और खरगोश के साथ साथ ये जो हमने उनका घर बनाया है, ये घर आपको कैसा लगा। ये घर बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, और ये समझें कि ऑलमोस्ट ये घर पूरा हमने खुद बनाया है। बस साइडों वाले जो शीशे थे वो हमने एक भाई को बुलाया था, वो उन्होंने लगाए थे, क्योंकि वो शीशा काटना था, तो शीशा काटने का हमारे पास कोई आला वगैरह नहीं था, तो इसलिए हम उन भाई को बुला के लाए थे, तो उन्होंने वो दोनों साइडों के शीशे काट के लगाए थे। बाकी ये फ्रंट का शीशा हमने खुद लगाया है, नीचे इसमें फर्श जो डाला है वो भी खुद किया है, पाइप भी खुद डाले हैं, और ऊपर का जो ये गेट बनाया है जाली वाला, ये भी हमने खुद ही बनाया है। अब हम कबूतरों को भी दाना डाल देते हैं, ये लोग भी काफ़ी बेचैन हो रहा है, ठीक है? इनको भी खाना डालेंगे तो फिर उसके बाद सारे फारिग हो जाएंगे, सिर्फ हमारा बटर स्कॉच रह जाएगा और हमारा तीतर रह जाएगा।
बटर स्कॉच को मैंने अभी कंटिन्यू बंद किया हुआ है, क्योंकि इसने दो दिन से जो हरकतें की हैं ना, एक दफ़ा जो है इसने कहते हैं तीतर पे हमला किया है, ठीक है, तीतर को इसने बस समझें कि खाते खाते यानी रह गया, नहीं तो तीतर तो गया था कल। और तीतर से पहले फिर हम जब वो कबूतर लेकर आए थे नर, वो जो ऊपर बंद हुआ हुआ है, वो नर भी जब हमने खोला था तब उसने उस पर भी हमला किया था। तो इसलिए बटर स्कॉच बेहतर है कि अब आप अंदर ही बंद रहो, ठीक है। ये बटर स्कॉच के लिए भी मैं खाना ले आया। बटर स्कॉच अंदर आओ, अंदर अंदर ऊपर जाओ ऊपर, तुम्हारा खाना ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा खाना। चलो ऊपर जाओ, खुद से ऊपर जाओ, चलो तुम्हें खाना ऊपर देंगे, ऊपर ऊपर जाओ, ये शाबाश, चलो अंदर हो जाओ, तुम अंदर बैठ के आराम से खाना खाओ। कबूतरों के लिए हम जो है ना, मैंने सारी कटोरियाँ एक जगह जमा कर ली, बजाय ऐसे कि बार बार ऊपर से उतारूँ और फिर डालूँ एक एक करके, तो ये सब एक साथ बना के। कबूतरों को दाना दे देते हैं, चलो चलो आ जाओ, खा लो खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ, शाबाश, डरो नहीं। आप लोग क्यों बेचैन हो रहे हो, आप लोगों को भी खाना मिल रहा है, वेट करो बस, ये लो। अभी जो है कबूतरों को पानी डाल देते हैं, काफी प्यासे हो रहे हैं। कल से वैसे जब से हमारे खरगोश आए हैं हमने खरगोशों को भी पानी नहीं दिया, अभी इनके लिए भी पानी रखते हैं, पहले ये कबूतरों से पानी डाल के फारिग हो जाऊँ मैं। अच्छा दोस्तों, पहले भी मैंने खरगोश वगैरह पाले थे, लेकिन उस टाइम में हमने इस तरह से बॉक्स बना के उसमें नहीं रखा था, इधर हमारे वो खरगोश ना आज़ाद फिरते थे, तो वो पानी वगैरह भी पाउंड से खुद ही पी लिया करते थे सब कुछ। तो अभी मुझे इतना एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं कि इनको पानी कौन से बर्तन में दूँ, तो फिलहाल मैं इनके ना ये मिट्टी का बर्तन है ये इनके अंदर रख देता हूँ पिंजरे में। ये मिट्टी का बॉल मैंने इसमें रख दिया, इसमें पानी डालते हैं, देखते हैं खरगोशों को कितनी प्यास लग रही है, पानी पीने आते हैं कि नहीं आते, या आ तो रहा है। पी लो पी लो पी लो पी लो, पानी पी लो, डरो मत तुम लोग, हैं तुम लोग का नया घर है ये, इसमें पानी पियो सही से। ये देखो ये नर नर तो आ गया पानी पीने, ये मादी भी आ गई, मादी अभी पानी पिया नहीं है, नर पी रहा है लेकिन पानी। नर प्यासा हो रहा है लेकिन मादी वहाँ जाके बैठ गई दोबारा। अभी जो है ना हम अपने तीतर को भी खाना दे देते हैं, क्योंकि कल शाम से ये भी आया हुआ है, तो इसको भी हमने दाना नहीं डाला, तो ये दाना खा लेगा, डरो मत, आओ खाना खा लो, शाबाश, आ जाओ खाना खाओ, खाना ले लो, खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी भी लेके आता हूँ, ठीक है, तुम तब तक खाना खाओ। आ रहा है दाने की तरफ, आ रहा है, आ जाओ खा लो खाना खा लो खा लो खा लो, शाबाश। चलो इसका भी जो है ना डर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, क्योंकि कल तो बटर स्कॉच ने इसको बहुत ज़्यादा डरा दिया था, वो कहता है ना कहावत के जान बची तो लाखों पाए, कल इसकी जान बची है और इसने जो है ना अब थोड़ा सा सुकून में आया है, ये दाना भी उठा रहा है। चलो बस हमें पानी लेके आता हूँ आपके लिए, ओके, इसके लिए पानी भी डाल देते हैं, चलो पानी भी पी लो आप, शाबाश, पानी भी पी लिया भाई इसने। वैसे दोस्तों हम मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना हम अब ये जो तीतर है हमारा, इसको ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है आपने यहाँ पे ये सारा ब्लॉक भी कर दिया, ये वाला पिंजरा जो है बिल्कुल पैक है, तो तीतर जो है वैसे ज़्यादातर मिट्टी में खुश रहता है, तो इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अभी थोड़ा ये पानी वानी पी ले, दाना वाना खा ले, ऊपर रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। ये नबील भाई अभी आए और ये शाम के तकरीबन कुछ 4 बज रहे हैं, इनकी सुबह अभी हुई है, और ये आते के साथ ही जो है ना हमारे खरगोशों के लिए गाजर लेकर आए, और गाजर भी अपनी जैसी लेकर आए, बिल्कुल पतली पतली सी, देखते हैं हमारा खरगोश गाजर खाता है कि नहीं खाता।
खा रहा अभी गाजर खा रहा। आपकी बारी भी है, आपकी बारी भी आएगी, सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। आ जाओ आप भी खा लो। ये तो गाजर इसमें से जाएगी कैसे अंदर? अंडे यही है, गाजर का टेस्ट जरूर बताना यार, कैसा लग रहा, मजेदार लग रहा कि नहीं लग रहा? ये देखो, ये तो फंटर है ना, हर जगह आ जाता है। इसको बटरस्कॉच से खाना भी चाहिए। यार देख रहे खरगोश को खाना डालना, उसमें भी आ गया ये। वो कहावत है ना कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम है इसके। इसको लगता है कि इधर जू में जितनी भी चीजें डलेंगी सब इसके इसी के लिए है। पहुंच नहीं, ये कांटा देख हाथ लगा, अरे बहुत शार्प है यार। नहीं ये कांटा जो ऐसे लगाते हैं हाथ लगा, सुई की तरह है। हाँ ये जिसने आंखें क्यों बंद कर ली भाई? एक दफा उसको भी तो दिखा दो बटर स्कॉच को कि तुम्हारा दोस्त जिस पर तुमने हमला किया था। अभी देखो इस पर तो हमला करेगा। ये लो खा लो इसको। ये लो बटर स्कॉच की आंखें देख रहे हो कैसे बेबसी वाली आंखें, जैसे बहुत जुलूम हो रहा है इसके साथ ना। खाओगे इसको तुम? हैं बदतमीज तुम, इसलिए आज बंद हो गया अंदर। तुमने दो 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 बटेर भी मार दिए थे। नहीं इस पे हमला किया था, उससे पहले वो कबूतर पे हमला किया था, याद है वो नर वाला कबूतर लेकर आया था, उस पे भी हमला किया था। हमला किया और दो बटेर भी तो मारे थे अंदर उसके, याद नहीं? गुड मॉर्निंग। अब इसको कैसे पकड़े भाई? हमें नजर नहीं आ रहा, मगर कैमरे के अंदर नजर आ रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। वैसे इन परिंदों के बाद जो है आपको जो है वर्जिश की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की। पकड़ लिया माशाल्लाह, ये भी बड़ा फुर्तीला होता है यार। उनको नीचे बंद कर देते हैं, दिखाओ मिट्टी में कैसा लग रहा है। दाना खाते हुए देखा इसको? हाँ खाया है। गाइस हम लोगों ने सोचा है कि सबो भाई और मैं हम लोग जाएं और मार्केट के अंदर चेक करें कि कोई और ऐसा बर्ड या कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जो हम ला के अपने केजेस के अंदर छोड़ दें, क्योंकि काफ़ी सारे केजेस जो हैं वो अभी भी खाली हैं। तो वक्तन फवक्तन हम लोग उसके अंदर चीज़ें ला के डालते जाएंगे। और मतलब ये है मार्केट के अंदर जाने के बाद कि कोई चीज़ जो पसंद आ जाए, दिल को लगे कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, तो वो हम बिल्कुल परचेस करके आएंगे। अभी सबो भाई और मैं हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं और देखते हैं, फिर आपको वीडियो के अंदर मज़ीद शेयर करेंगे कि हम लोगों ने क्या चीज़ परचेस की है। गाइस हम लोगों ने जो है वो डव परचेस कर ली है और ये जो है वो चार डव हम लोग लेके आए हैं अपने साथ। ये आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह से। देखें इनके कलर्स, देखें इनके आइज़, देखें बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। इसमें अच्छा ये जो वाला छोटा वाला है, ये वो कह रहे थे कि छोटा बच्चा है अभी। अब ये कन्फर्म इसी पेयर का बच्चा है, इसी पेयर का बच्चा है। इसमें दो नर हैं एक मादी है और ये बच्चे का भी कन्फर्म नहीं है कि ये क्या है। तो इसको हम लोग केजेस के अंदर जो है छोड़ते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा अबान है ना, अबान बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि अबान को जो है ना काफ़ी टाइम से पीछे लगा हुआ था कि बाबा मुझे डव चाहिए, डव चाहिए। तो जब उसके पास चलेगा ना डव आ गई है, उस बात काफ़ी हैप्पी हो जाएगा। अच्छा वो अब इसको जो है ना हम इधर तो केज में छोड़ेंगे नहीं, ये जो मास्टर केज है हमारा इसमें भी काफ़ी जगह है। अच्छा मैं व्यूअर्स को दिखा देता हूँ फिर भी कि केजेस के अंदर वो आपको साइड कॉर्नर पर नज़र आ रहा होगा, वो ये पूरी पट्टी, इसमें थोड़ी थोड़ी सी गैप है। ये इन छोटे परिंदों के लिए जो है वो निकलने का एक्सेस बहुत इजीली है, ये इधर से निकल सकते हैं। एक एक आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने, ये जो है ना इसी तरीके के काफ़ी जगहों पे हैं जो हम लोगों से जो है हमें यहाँ पे इनका जो है प्रॉपर फिक्स करना है, मगर अभी तक किया नहीं है वो काम के अंदर बिजी की वजह से। लाएँ इसको, छोड़े हैं बटर स्कॉच को बंद कर दिया। हाँ इस केज में डाल दें बटर स्कॉच को बंद कर। इस केज में भी डाल सकते हैं, इधर नीचे भी हमारा जगह है, आप बताओ कितना डालें? इस वाले केज में डालना है? नीचे डाल दें, नीचे वाले में डाल दें। हाँ मेरे ख्याल से ये वाला ही है ना, मट्टी की है। हाँ अच्छा एक मिनट पहले मेरे ख्याल से इनके लिए खाना नहीं रख दें, बार बार आप खोलेंगे। हाँ
नहीं वो मसला नहीं होगा, जगह पड़ेगी फिर खाना भी रख देंगे। अच्छा अंदर कुछ चीज है ऐसी जिस पे ये ऊपर चढ़ के बैठ जाए या कोई? अभी तो फिलहाल ऐसे ही है। अच्छा मुझे वहाँ से गैप नजर आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ एक मिनट, ये वाली कॉर्नर के अंदर से आपको गैप नजर आ रहा है? नहीं इतना इनफ नहीं है कि ये निकल सके। नहीं मुझे मुझे लगता नहीं है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि शायद निकल जाए। कैप चेक करो ऊपर से। नहीं इतना नहीं है, खत्म है। अच्छा इतना नहीं है, चलें फिर भी गिरी है बस। चलें छोड़ें। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कांगे ये हमारे साथ हमेशा कांड होता है कोई ना कोई। अच्छा ये इसके मेरे ख्याल से पर पूरे नहीं है। अच्छा आपने सब बताए, बटर स्कॉच को बंद किया हुआ आपने? हाँ बटर स्कॉच बंद है, वरना वो ज़रूर हेल्प करने आएंगे हमारी। अच्छा अब ये बाकी मस्जिद तो अंदर डालें। अच्छा ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ओए होए सलाह भाई के हाथ में आ गई, ये सब भाई के हाथ में एक है और ये बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बहुत मासूम से प्यारे से हैं ये छोटे छोटे से, मगर शरारतें पूरी हैं। ओ गुड मॉर्निंग आपकी भी। चलो भाई ये दो बाहर निकले हैं, अब इन दो को पकड़ना वो आपने शायद मिशन इम्पॉसिबल वाली मूवी तो देखी होगी। अच्छा इतना ज़्यादा वो अभी एक्टिव नहीं है मेरे ख्याल से, आप आराम से पकड़ सकते हो, ज़ोर से नहीं पकड़ना। आ जाओ मेरे हाथ पे बैठ जाओ, आओ आओ आ जाओ हाथ पे बैठ जाओ। पकड़ लिया यार, किस तरीके से पकड़ रहे हैं आप इतनी ज़ोर से, कितना छोटा सा है ये। थोड़ा सा खोलें, पूरा नहीं खोलें। ये देखें किस तरीके से ये फ्लफी भी देखने आया है कि कौन आया है हमारे जू के अंदर नया हमारा मेंबर। इतने से तुम हो नहीं है और उड़ते कितना तेज हो, फुर्ती के साथ उड़ता है माशाल्लाह से। माशाल्लाह टर्बो लगाया हुआ शायद। जी आप कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे जो नए बर्ड्स हैं उनके लिए दाना और पानी पहले से रेडी कर लिया हमने, वो भी इनको दे देते हैं हम, लेकिन ये है कि इनको देते हुए फिर ये डर लगेगा ये बाहर ना उड़िए। फ्लफी क्या हो गया आपको, हैं जाओ घूमो आप। अच्छा जितने भी हमारे केजीस हैं ना इनके अंदर हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक की जो है वायरिंग वगैरह कर चुके हैं, होल्डर वगैरह लगा दिए हैं, तो जब इसमें बल्ब वगैरह लगा के वो कनेक्शन स्टार्ट करेंगे ना तो फिर ये हमारे जितने भी केजीस के अंदर एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह हैं वो फिर ईजिली विजिबल होंगे, तो फिर ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे हमारे केजीस। ये था दोस्तों मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।